रुख करेंगे अगली खबर का। कोडरमा में DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग को डिजिटल इंडिया अवार्ड में गोल्ड मेडल मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। बता दें कि पिछले एक साल में से कोडरमा में डिजिटल क्रांति के लिए किए जा रहे प्रयास को एक नया मुकाम मिला है। बता दें पिछले एक साल में DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से 10,000 लोगों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी गई है और यहां यह सिलसिला लगातार जारी है। इस खास मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने से मिले सम्मान पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी को बधाई दी है और कहा है कि इस सम्मान को डिजिटल क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। तो कोडरमा के DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग को डिजिटल इंडिया अवार्ड में गोल्ड मेडल मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है, जिसके बाद से लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। बता दूं कि सम्मान मिलने के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी को बधाई दी है और कहा है कि इस सम्मान को डिजिटल क्रांति के रूप में देखा जाना चाहिए। कर स्कूल के बच्चे हैं, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, उन लोगों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और उल्लास की वजह से लास्ट एक साल में लगभग 10,000 लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और बड़े भी शामिल हैं, जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं पंचायती राज के, उन सभी को हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी है। और अभी ये लक्ष्य जो हम लोगों का है, क्योंकि सेंटर एक से दो, दो से तीन करके हुआ है, तो हर साल हम लोग 10,000 से 15,000 लोगों को ट्रेनिंग देंगे। 12 बजे से जो क्लास होता है रात्रि के 7 बजे तक होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बेसिक, एडवांस और अभी एक नया कोर्स जो स्टार्ट किया है DEGS 4.0, उसमें है हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग, ठीक है। जैसे अभी सरकारी प्रतियोगिता जो भी होती है परीक्षा, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग की परीक्षा जरूर होती है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यह कोर्स का भी संचालन चल रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो कंप्यूटर के ज़रिए होते हैं, तो हम लोग को कंप्यूटर से गए तो सिर्फ फ़ायदा है, अगर कहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम देना तो फ़ायदा होगा। इससे होता है ना, जैसे प्राइवेट उस टाइप का यहाँ पे सिस्टम भी है और एकदम कम्फर्टेबल होता है ना, कंजस्टेड नहीं है, अच्छा लगता है यहाँ पर मतलब करने में। मैंने पहले बेसिक किया तो मेरा बेसिक पूरा अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया और अभी मेरा 10 डेज से टाइपिंग चल रहा है, इंग्लिश टाइपिंग। अभी से कंपटीशन का जो जितने भी एग्ज़ाम है उसमें तो टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग मांगता ही है। तो मतलब जैसे कोडरमा में ऐसा कोई संस्थान नहीं था, लेकिन DEGS कंप्यूटर सेंटर खुलने के बाद यहाँ पे टाइपिंग की व्यवस्था अच्छी